हिमाचल पथ परिवहन निगम के तकनीकी कर्मचारी विभाग व सरकार से खफा हैं। इन कर्मचारियों को पिछले कई वर्षों से नियमित नहीं किया जा रहा, न ही इन्हें अन्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, जिनको लेकर एचआरटीसी कार्यशाला सोलन में एचआरटीसी के तकनीकी कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर फैसला लिया कि कल से वह एक सप्ताह तक काली बिल्ली लगाकर कार्य कर सरकार को अपना रोष व्यक्त करेंगे। इन तकनीकी कर्मचारियों को सुविधाओं का अभाव है, ना तो इन्हें काफी वर्षों से नियमित किया जा रहा है, वह जो नियमित हैं, उनकी पदोन्नति नहीं की जा रही। इसके अलावा अनेक विभिन्न मांगों को लेकर इन्होंने परिवहन विभाग सहित सरकार को भी अवगत करवाया है, लेकिन इनकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। सोलन एचआरटीसी कार्यशाला में इन तकनीकी कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार व विभाग के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की व जल्द उनकी मांगों को मानने का आग्रह किया। साथ ही कल से पूरे प्रदेश भर में हिमाचल पथ परिवहन निगम के तकनीकी कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर कार्य करेंगे। यदि एक सप्ताह बाद भी सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दे डाली। हमारे जो आज यहाँ इकट्ठा होने का कारण है कि जो ये कर्मचारी है, हमने प्रबंधक निदेशक महोदया को अपना डिमांड नोटिस दिया था, उसमें वार्ता ना ही हमारे प्रबंधक निदेशक महोदया ने हमें वार्ता के लिए बुलाया और ना ही हमारी समस्याओं का समाधान निदान किया। तो मैं प्रदेश की अपने प्रबंधक निदेशक महोदया एवं प्रदेश सरकार से गहन अपील करता हूँ कि जो हमने प्रदेश सरकार को अपना नोटिस दिया है, वो हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करें एवं जो हमारे प्रदेश में परिवहन निगम में जो तकनीकी कर्मचारी पीस मिल के पद पर कार्य कर रहे हैं, इन कर्मचारियों को एक मुश्त कॉन्ट्रैक्ट पर लगाएं और जो हमारे प्रदेश में इस समय तकनीकी कर्मचारी है, उनकी जो पदोन्नति हैं, लगभग 20-22 वर्ष एक ही पद पर बैठे हो गए हैं, इनको जल्द से जल्द पदोन्नत किया जाए एवं जो हमारी ये प्रदेश में इस समय कर्मशालाएं हैं, जो कर्मशाला में हमारे कार्य करने के लिए जो कर्मशालाएं हैं, उनके हालात बहुत ही दयनीय हालात है। इन कर्मशालाओं को सुधार के लिए हमारी परिवहन निगम इसके लिए सुधार करें। यदि हमारी इन मांगों को नहीं मानेंगे तो जो भी सिस्टम के मुताबिक हमारा 7 दिन का आज आने वाले कल से 7 दिन के लिए काले बिल्ले लगाकर पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया जाएगा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।